सो हे गाइज, वेलकम बैक माई न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सअप के ए टू जेड सभी सेटिंग, सभी फीचर्स, सभी अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप व्हाट्सअप के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो तो आज की इस वीडियो के बाद व्हाट्सअप का एक भी पार्ट ऐसा नहीं बचेगा जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड गाइज अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज की कमाल की वीडियो को। हम लोग बात करते हैं थ्री डॉट्स पे। यहाँ पे जैसे यहाँ थ्री डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस फिफ्थ नंबर पे हम लोग बात करते हैं सेटिंग वाले। जैसे ही गाइस सेटिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइज आपको सबसे ऊपर दिखेगा अकाउंट, अकाउंट वाले पर क्लिक करेगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइज आपको प्राइवेसी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही गाइज आप प्राइवेसी पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले है लास्ट इन एंड ऑनलाइन। गाइज जब भी आप व्हाट्सअप पर जाते हो तो अगले बंदे को आपका लास्ट सीन या ऑनलाइन दिखाई देता है, तो आप किसे अपना लास्ट सीन एंड ऑनलाइन दिखाना चाहते हो कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्राइवेसी लगा सकते हो। जैसे गाइज अगर आप एवरी वन पर सिलेक्ट कर दोगे तो आपका जो लास्ट सीन है एंड आप जब भी ऑनलाइन जाओगे तो सबको, जब जो भी आपका नंबर देखने, जो भी व्हाट्सएप पे आपके नंबर पर क्लिक करेगा तो सबको आपका ऑनलाइन व लास्ट सीन दिखाई देगा। अगर गाइज आप चाहते हो कि आपका लास्ट सीन आप जितना व्यक्ति को आपने नंबर सेव किया है उनको दिखे तो आप सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। अगर गाइज आप चाहते हो अपना लास्ट सीन एंड ऑनलाइन जो भी दिखाई देता है, अगर गाइज आप कुछ चुनिंदे व्यक्ति को चाहते हो कि ये व्यक्ति आपका गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो या आपका घर का कोई भी फैमिली है, अगर चाहते हो कि आप रात में 12 बजे व्हाट्सएप पर जाओ और उन्हें ना पता चले, तो सिंपली जो भी आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दोगे। जैसे ही गाइज आप जिन जिन को यहाँ पर क्लिक कर दोगे वहाँ पर आपका जो लास्ट सीन है एंड ऑनलाइन उन व्यक्ति को शो नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके का जैसे कि हमने सेट कर दिया। एंड गाइज अगर फोर्थ नंबर पे आपको नोबडी वाले पे अगर सिलेक्ट कर देते हो तो गाइज आपका जो लास्ट सीन है किसी को नहीं दिखाई देगा। एंड गाइज यहाँ पे नीचे अगर एवरीवन पे कर दोगे तो एवरीवन पे दिखाई देगा, अगर सेम एज ए लास्ट सीन पे कर दोगे तो सेम एज ए लास्ट सीन। जैसे ही आप व्हाट्सएप से जाओगे जो भी आपका लास्ट सीन रहेगा, जहाँ पे ये ऊपर के तरीके से माई कॉन्टेक्ट पे सेलेक्ट किए हो या एवरीवन पे किए हो या नोबडी पे किए हो, तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे फीचर्स मिलता है। अगर गाइज हम लोग प्रोफाइल फोटो जो भी हम लोग डीपी लगाते हैं, अगर आप डीपी हर व्यक्ति को दिखाना चाहते हो तो आप फ्री वन पे लगा सकते हो। अगर गाइज माई कॉन्टेक्ट पे आप लगाना चाहते हो, जितना लोगों के पास आपका नंबर सेव है तो आपका डीपी उन्हीं लोगों के पास जाएगा जितने लोगों का नंबर सेव है, तो माई कॉन्टेक्ट पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर गाइज आप जिन लोगों को आप सबको डीपी अपना दिखाना चाहते हो एंड अगर आप चुनिंदे लोगों को नहीं दिखाना चाहते हो, मान लीजिए आपको उत्तम पटेल है इसको नहीं दिखाना है आपको डीपी, तो सिंपली आपको इसके वाले पे क्लिक करके आपको नीचे अपडेट कर देना है तो उत्तम वर्मा को जो पटेल है उनको आपका डीपी नहीं देखने को मिल जाएगा, जो चाहे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। या आप गाइज यहाँ पे नोबडी कर सकते हो तो आपका जो डीपी है, जो भी आप डीपी लगाए रहोगे किसी को नहीं दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का। एंड थर्ड हम लोग बात करें तो थर्ड ऑप्शन पर अबाउट पे जैसे ही जाएंगे हम लोग, यू कैन सी माई अबाउट। अगर जो भी आप अबाउट देखते हो तो मतलब लिखते हो जो भी अबाउट, तो आपका जो अबाउट है एवरीवन पे अगर करोगे तो सब आपके अबाउट के बारे में जान जाएंगे। अगर माई कॉन्टेक्ट करोगे तो माई मतलब जितना भी नंबर है सेव है तो वो लोग आपके अबाउट को देखेंगे। अगर नोबडी कर दोगे तो कोई नहीं देख पाओगे। अगर आप चुनिंदे लोगों की चाहते हो कि आप अबाउट में जो कुछ लिखे हो, अगर आपका अबाउट कोई मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं देखना चाहते तो यहाँ से जाके आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके वाले पे क्लिक कर दोगे। एंड अगर गाइज हम लोग अगला देखें तो अगला क्या है, स्टेटस। गाइज आप तो अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस तो लगाते होंगे। अगर गाइज अगर आप कोई ऐसा स्टेटस लगाते हो, अगर आप चाहते हो कि बहुत से लोगों के पास ना जाए, तो यहाँ पे आपको थर्ड नंबर पे गाइज आपको देखने को मिल जाता है ओनली शेयर विद। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप जितने व्यक्ति को पास यहाँ पर शेयर करना चाहते हो वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए आदित्य हो गया, अभिषेक प्रजापति या अभय प्रजापति, तीन लोगों को मुझे अपना स्टेटस दिखाना है, तो सिंपली तीनों जितने लोगों को आप सेलेक्ट करोगे उतने लोगों को आपका स्टेटस देखने को मिल जाएगा। अगर चाहते हो गाइज आपका स्टेटस सब लोग देखें एंड आपको कुछ चुनिंदे व्यक्ति हैं जो कि नहीं देखना दिखाना चाहते हो, तो सिंपली आपको सेकंड वाला ऑप्शन जो दिखाई देता है माई कॉन्टेक्ट एक्सेप्शन वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो जिस व्यक्ति को यहाँ से गाइज आप चुन लोगे तो सिंपली आपका जो स्टेटस है इन लोगों के पास नहीं शो होगा। यहाँ से जाने के बाद आपको ओके कर देना है तो इन लोगों के पास आपका स्टेटस नहीं शो होगा। अगर गाइज आप चाहते हो कि जितना भी नंबर आपके कॉन्टेक्ट में सेव है सबको अपना स्टेटस दिखाना चाहते हो, तो सिंपली फर्स्ट वाले पर आप क्लिक करके यहाँ से सेट कर सकते हो।
अगर गाइज हम लोग बाद में देखें कि रीड एंड मतलब रीड रिसीव, अगर गाइज आप चाहते हो कि आपका जो मैसेज है, अगर कोई आपके पास मैसेज भेजे मतलब सिंपली रीड करना चाहते हो तो सिंपली इसे ऑन कर सकते हो। तो सिंपली इसको मैं ऑफ करके रखता हूँ। अगर चाहते हो गाइज आपका जो मैसेज है 24 घंटे या 7 दिन या 90 दिन या मतलब 90 दिन में अगर ऑटोमेटिक डिसअपीयर हो जाए मतलब गायब हो जाए तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। डिसअपीयर मैसेज मतलब ये डिफ़ॉल्ट डिसअपीयर मैसेज का मतलब है कि जो मतलब किसी के साथ आप जब चैट करते हो, आपका बॉयफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड हो गया, अगर आप चाहते हो 24 घंटे के बाद आपका मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए तो यहाँ से सेट कर सकते हो। आप 24 घंटे में डिलीट करना चाहते हो तो 24 घंटे पर क्लिक कर दोगे, 7 दिन में डिलीट करना चाहते हो तो 7 दिन में डिलीट कर दोगे, 90 दिन में करना चाहते हो तो 90 दिन में यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। मैं यहाँ पे 24 आवर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके का। अगर गाइज यहाँ पे ग्रुप, अगर आप ग्रुप से परेशान हो, आपको चाहे जो जोड़ देता है तो यहाँ पे आप सेटिंग करके आप बच सकते हो, ग्रुप पे आपको कोई नहीं जोड़ सकता। अगर गाइज यहाँ पे हु कैन ऐड मी ग्रुप, अगर कोई ग्रुप बनाता है आपको जोड़ना चाहता है तो आप किन किन लोगों से जुड़ना चाहते हो आपके ऊपर है। यहाँ पे अगर गाइज एवरीवन कर दोगे तो चाहे जो आपको ग्रुप में किसी भी ग्रुप में जोड़ देगा। अगर गाइज आप माई कॉन्टेक्ट पर कर दोगे तो जो भी ग्रुप में रहेगा मतलब आपके जो कॉन्टेक्ट में रहेगा वही व्यक्ति आपको ग्रुप में ऐड कर सकता है। एंड गाइज यहाँ पे माई कंटेंट एक्सपेक्शन है, जो मतलब यहाँ पे अगर आप दो चार लोगों से परेशान हो कि आपको बार बार ग्रुप में जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करके जिन लोगों को आप सेलेक्ट कर लोगे वे लोग आपको ग्रुप में नहीं ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करके आप ओके कर दोगे तो यहाँ पे गाइज आप लोग वे लोग आपको नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके का। एंड गाइज यहाँ पे लाइव लोकेशन, यहाँ से गाइज आप लाइव लोकेशन भेज सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे लास्ट हम लोग बात करें तो ब्लॉक किए हुए नंबर यहाँ पे शो होते हैं, जिन लोगों को आप ब्लॉक कर देते हो सबका डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर गाइज आपने अपने व्हाट्सएप पर आप फिंगर लॉक लगाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से आप फिंगर लॉक भी लगा सकते हो। यहाँ पे गाइज 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, इमीडिएटली, आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 30 मिनट, तो कुछ इस तरीके से आप जो भी चाहे यहाँ से लगा सकते हैं। गाइज ये फीचर्स था ऑल सेटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर गाइज कोई सा सेटिंग आपको लगा हो कि मैंने नहीं बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर गाइज वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, पुनः मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।